हैं कुलदीप भाई, जिन्होंने बालामऊ उन्नाव रूट पर पड़ने वाले बांगरमऊ रेलवे स्टेशन से कानपुर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। कुलदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। सामने देख सकते हैं, ये कानपुर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन का जो पहले नंबर हुआ करता था वो 046-93 था, और अब इस ट्रेन का जो नंबर है वो सुपर फास्ट नंबर कर दिया गया है, यानी कि 124-69। कानपुर की दिशा से ये ट्रेन आ रही है, यानी उन्नाव की दिशा से, और अमृतसर जाएगी वाया बालामऊ, हरदोई, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद। तो देख सकते हैं डीजल लोको हो लगा हुआ है इस पर, इलेक्ट्रिक लोको अभी नहीं चलाया जा रहा है। कभी कदार इलेक्ट्रिक लोको से ट्रेन का संचालन कर देते हैं, कभी कदार डीजल लोको के द्वारा ट्रेन का संचालन कर देते हैं। पूरी ट्रेन LHB कोचेज वाली है। इसके अलावा इस रूट पर एकमात्र जो ट्रेन है, जिस ट्रेन से कुलदीप भाई सफ़र कर रहे हैं, वीडियो को शूट कर रहे हैं खड़े होकर, वो 043-27 है, जो सीतापुर सिटी जंक्शन से कानपुर के बीच में चलती है अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कानपुर से सीतापुर के बीच में और भी होना चाहिए, जिससे कि इस रूट पर रहने वाले लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। कानपुर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर 15 नवंबर 2021 से बदला गया है। कई ट्रेनों का नंबर 15 नवंबर 2021 से बदल दिया गया है। देश भर में ज़्यादातर जो ट्रेनें चल रही थी, अभी हालांकि अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर नहीं बदला गया है। तो बात यहीं चल रही थी, एक ट्रेन और इस रूट पर बढ़ा देनी चाहिए, एक आने के लिए एक जाने के लिए, कानपुर से सीतापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच में। क्योंकि यह इस रूट पर जो ये एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, चाहे कानपुर अमृतसर हो, चाहे कानपुर जम्मू तवी हो, इन दोनों ही जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद सीधे बालामऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर होता है। बांगरमऊ रेलवे स्टेशन पर भी दोनों ट्रेनों का ठहराव किया जाना चाहिए, एक प्रायोगिक तौर के तौर पर, जिससे कि अगर फ़ायदा मिले तो परमानेंट ठहराव कर देना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।